यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है। तो अगर आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पासपोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफिस में सेटिस्फाई कर देते हो तो आपकी एप्लीकेशन आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में भेज दी जाती है। तो आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आती है तो आपको पुलिस स्टेशन विजिट करना होता है और अपने साथ 2 विटनेसेस को भी लेकर जाना होता है। इन दोनों विटनेसेस में से आप अपने ब्लड रिलेशन वाले पर्सन को नहीं लेकर जा सकते। तो सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि आप डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपने साथ लेकर जाओगे। तो हमारे पास यहाँ पर आधार कार्ड मैंडेटरी है, यानी कि आधार कार्ड लेकर जाना जरूरी है। अगर आप चाहो तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड लेकर जा सकते हो। इन डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन किन किन केसेस में नहीं होती। तो इसका हमारे पास सिंपल सा आंसर है कि अगर पासपोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफिस में आप टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते तो उन केसेस में आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो नहीं होती। यानी कि एड्रेस चेंज से रिलेटेड कोई इशू है या फिर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो इस केस में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि पुलिस वेरिफिकेशन कितने दिन के अंदर अंदर होती है। अगर अपॉइंटमेंट आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है तो उसके 1 से 2 दिन के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में भेज दी जाती है और आपकी फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती है। तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमने कोई फीस पे करनी है तो ये प्रोसेस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर पुलिसमैन आपसे डिमांड करते हैं फीस की तो आपने यहाँ पर कोई फीस पे नहीं करनी, यानी कि ये इलीगल प्रोसेस के अंडर है कि अगर हम वहाँ पर कोई फीस पे करते हैं और वो हमसे फीस चार्ज करते हैं तो हमने यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करनी। आई होप पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।